बढ़ती महंगाई, फसलों की नुकसानी, LIC अडानी मामले सहित गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को प्रभावी विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे के करीब कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा, ऊपर से बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों की शासन स्तर पर कोई सूद नहीं ली जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों, दालों और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब और जरूरतमंद जनता को दो वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण महिलाओं का रसोई बजट गड़बड़ा गया है। महिलाओं को घर परिवार चलाने में दिक्कतें उठानी पड़ रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों को फसलों का उचित दाम दिया जाए, गैस सिलेंडर के बड़े दामों को वापस लिया जाए और हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में उच्च स्तरीय जाँच की जाए। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले भर में किसानों की हवा आंधी में फसल खराब हो चुकी है, सर्वे हो नहीं रहा। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि हम सर्वे कर रहे हैं। यहाँ सब किसान आए हुए हैं, किसान कह रहे हैं हमारे खेतों में सर्वे नहीं हो रहा। अब ये समझ में ही नहीं आता है कि सर्वे कहाँ पे हो रहा है। जब सर्वे ही नहीं होगा तो किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार किसानों को मूर्ख बना रही है ऐसे मुद्दे। साथ में हमने जो महंगाई बढ़ रही है, गैस की टंकी के भाव बढ़े हैं, जो रतलाम में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है, जो हिंडनबर्ग में अडानी घोटाला हुआ है देश भर में, ऐसे मुद्दों को लेकर के जिला कांग्रेस के साथ पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हमने चेतावनी दी है कि अगर इनको समय रहते जनहित में निर्णय नहीं लिया तो हम और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि नाइक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।